अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 2 3 दिन हुए मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई। तो हम गए हैं न्यूयॉर्क सिटी, जा रहे हैं फेरी में। तो मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखा दूँ न्यूयॉर्क सिटी। ये हम उतरे हैं, पहले गाड़ी में आए हैं तो वो उधर गाड़ी पार्क की है और हमने फेरी में आगे जाना है न्यूयॉर्क सिटी। ये ब्रिज है और हम बैठ गए हैं, मुझे लगता है फेरी में आ गए हैं। ये देखें जी, हम फेरी में आ गए हैं। हमारे साथ गेस्ट आए हुए थे, उनको लेके हम गए हैं फेरी में न्यूयॉर्क सिटी। वो मैं आपको दिन में भी दिखाऊंगी कैसा लगता है बिल्डिंग्स, और रात को भी दिखाऊंगी। दोनों का बहुत अच्छा व्यू है। तो ये देखें जी, हम सारे बैठ गए हैं फेरी में। जो जो गए थे बच्चे नहीं थे साथ गए, क्योंकि रात को हम बहुत देर से गा रहे थे तो बच्चे गा रहे थे। तो ये सारे लोग आए हुए हैं साथ हमारे। कुछ लोग अंदर बैठना पसंद करते हैं, ये अंदर सीटों पे। ये हम ना बाहर खड़े पसंद करते हैं, बाहर खड़े होना, वो जो कहते हैं अरशे पे वो। ये देखें जी, साथ एक और जहाज़ तैयार है, बैरी जहाज़ जाने के लिए। ये नहीं मुझे पता कहाँ जाने के लिए, लेकिन हम तो अपनी फेरी में जा रहे हैं ऊपर वाली मंजिल पे। तो हम जा रहे हैं जी। ये मैंने कहा चलो नीचे भी दिखा दूँ आपको, फिर हम चलते हैं ऊपर। जो लोग नहीं मतलब कि अच्छा समझते बाहर, उनको ठंड लगे या मौसम का या वैसे, तो अंदर सीटें लगी हुई हैं वो उधर जाके बैठ जाते हैं। और जिन्होंने बाहर इंजॉय करना होता है, वो बड़ी ठंडी हवा थी और बाल उठते जा रहे थे हमारे, और दुपट्टे भी नहीं थे मतलब कि खड़े हो रहे। तो ये हालात है। जो 2 मंजिलें थी इसकी, मतलब डबल स्टोरी था, तो ऊपर बहुत मज़ा आ रहा था, नीचे भी ठीक था। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से, ये हम जा रहे हैं बस। ये बिल्डिंग नज़र आ रही है न्यूयॉर्क सिटी की, जो सबसे मशहूर है वो। इसके लिए होता है कि पहले मतलब कि गाड़ी भी अंदर जा सकती है, जिसने न्यूयॉर्क गाड़ी में फिरना है वो गाड़ी भी शिप के अंदर जाती है। लेकिन हमने ट्रेन पे जाना था, क्योंकि पार्किंग का बहुत मसला होता है, तो इसलिए हम ना बस दौड़ दौड़ के सारा फिरना था, तो हमने गाड़ी नहीं लेके गए, ट्रेन में गए हैं। पहले गाड़ी में आए हैं, जस्ट ड्रॉप मतलब पार्क की है, उसके बाद फेरी में बैठे हैं, मतलब कि फिर उसके बाद हम जाएंगे ट्रेन में। तो बड़ा मज़ा आया था, हमारे मेहमानों ने भी बहुत इंजॉय किया था, हमने भी उनके साथ बहुत मज़ा किया था। तो रास्ते में आपको ये जहाज़ है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी तो हमारी पर मैंने ये अमेरिका का मिला था फ्रांस से, तो साथ ही पर हेलीकॉप्टर भी बहुत Yeah.
4 घंटे 3 4 घंटे लगते हैं ट्रैफिक हो तो हरियाणा में मतलब न्यू जर्सी से न्यू जाना चाहते हुए तो इसलिए हम जल्दी भी करते थे सारी जगह हम ज्यादा तो फिर उसके बाद जल्दी भी करते हैं तो ज़्यादा आप देख सकते हैं जगह ये हम बिल्डिंग के करीब तरीन जाते जा रहे हैं जो भी मतलब के दूर का अपना व्यू है पास उसके जाते जाएं तो उसका अपना ही एक मज़ा होता है दोपहर के टाइम में दिन के टाइम में और रात का अपना जब लाइटें ऑन होती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 2-3 पार्ट होंगे ये वीडियो के क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो आप लोग तंग ना पड़ जाए। तो ये जी है ये साथ एक आंटी थी गाने गाती जा रही थी अपनी कोई मतलब ज़बान में तो मैंने नहीं सुनाया आपको कि फिर ना कोई इशू हो जाए ना कॉपीराइट वगैरह का। तो ये हम उतर के आ गए हैं स्टेशन पे ये देखें जी स्टेशन है ये मतलब के किसका स्टेशन है फेरी से हम बाहर आए और ट्रेन स्टेशन जाना है हमने ये है जी दुनिया बड़ी आई हुई थी। तो ये हम उतर के मतलब के बाहर आए हैं स्टेशन से फेरी के तो उसके आगे हमने जाना है अब ये ट्रेन पकड़ेंगे फिर सारा शहर आस्ता आस्ता करके फिरेंगे हम तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी हर जगह दिखाऊंगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दिखाऊंगी। तो ये बड़ी दुनिया आई हुई थी बहुत लोग थे और जो जो गर्मी आती जाएंगी सारे लोग बाहर आते जाएंगे सैर और सियाहत के लिए। ये हम जा रहे हैं उधर ट्रेन लेने के लिए ट्रेन स्टेशन आ गए हैं ये हमें जंगले उन्होंने लगाए हुए हैं मतलब कि आगे कोई ऐसे ही ना चला जाए टिकट के बगैर ही फिर टिकटें उधर से ली हैं उस ये सामने बना हुआ टिकट वाला तो फिर इसके अंदर हम जाएंगे ऐसे जैसे ये लोग नहीं जा रहे इसके अंदर ऐसे ही हम भी जाएंगे। ये जी सारा नक्शा बना हुआ है कि किधर किधर ट्रेन उतरनी है चढ़नी है मतलब हर चीज़ उन्होंने बताया हुआ है। तो फिर भी जिसको ना पता है वो घूम ही जाता है इतना बड़ा है तो कहीं कोई उतर जाता है कोई ऐसे। तो ये हमारी ट्रेन है ये मतलब कि आती जाती रहती है अभी हम अंदर आए हैं फिर अपनी ट्रेन का नंबर देखेंगे और फिर कहीं बैठेंगे ये ना कहीं और ही चले जाएं। ये स्टेशन भी मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ न्यूयॉर्क का ट्रेन स्टेशन अंडरग्राउंड है सारा इसको मेट्रो भी कहते हैं कोई ट्रेन कहते हैं कोई कुछ कहते हैं बाहर अंडरग्राउंड है सारा। तो आवाज़ भी बड़ी होती है करके आती है ये ट्रेनें ये जी हम बैठ गए इसके अंदर खाली थी सारी एक डब्बा जिसमें हम बैठे तकरीबन इतना रश नहीं था ये देख ही नहीं आप खाली है सारी बस लोग आते जा रहे हैं कोई बैठेगा ना बैठेगा तो हम तो बैठ ही गए हैं ना ये मैं हूँ देखते हैं फिर अगली वीडियो के साथ वो भी न्यूयॉर्क की होगी तो वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट। ओके जी खुदा हाफिज़।